DB30 की टीम आपको कामतानाथ धाम के पास ले आई है। जैसा कि हम बता रहे हैं, चित्रकूट धाम जो एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां पे आपको कामतानाथ धाम में दर्शन लोग करने आते हैं। कामतानाथ मंदिर ये कैसे बना, कामतानाथ धाम ये कैसे पता चला, ये हमारी TV30 की टीम आपको बताएगी कि कामतानाथ चित्रकूट में क्यों प्रसिद्ध है, कामतानाथ धाम क्यों लोग आते हैं, यहाँ अपनी कैसे इच्छाएँ पूर्ण करते हैं। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था तो 11 वर्ष उन्होंने मंदाकिनी नदी के किनारे कामतगिरी पर्वत के पास पे इन्होंने अपने 11 वर्ष व्यतीत किए थे, जिस कारण यहाँ पे कामतानाथ धाम एक प्रसिद्ध धाम हुआ, जिसपे जो मूर्ति कामतानाथ की लगी हुई है वो भगवान राम के स्वरूप हैं, जिनको कामतानाथ कहा जाता है। जब भगवान राम यहाँ से 11 वर्ष का वनवास करने के उपरांत जाने लगे तो जिस पर्वत पर इन्होंने अपना निवास किया था कामतगिरी पे, उस पर वो पर्वत रुष्ट हो गया, दुखी हो गया कि हे भगवान, अब आप यहाँ जा रहे हैं, आपके आने से यहाँ पे हजारों साधु संत अपनी ज्ञान स्थली और साधु संतों ने अपना स्थान बना लिया था, तो भगवान श्री राम ने उनको कामत का वरदान दिया कि जाओ तुम कामत हो जाओ, अब यहाँ पे जो भी तुम्हारी 5 किलोमीटर की ये परिक्रमा करेगा उसकी इच्छाएँ पूर्ण होंगी। उस दिन से आज जो भी भक्त देश विदेश जिले से आते हैं, 5 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जिससे यात्रा को पैदल अपना परिक्रमा करते हैं, जिससे उनकी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। और भी चीज़ें जो इस पर्वत से लगी हुई हैं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आगे आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे TV30 चैनल के साथ।